हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं गाइस, हमारे पास यहां पे एक मदरबोर्ड है। तो गाइस, मदरबोर्ड में ये प्रोसेसर सॉकेट में गाइस यहां पे एक पिन टूट रही है गाइस यहां पे। तो इसे किस तरीके से रिपेयर किया जा सकता है, तो गाइस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो गाइस वीडियो पूरा देखिए, और वीडियो में जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो किस तरीके से प्रॉब्लम है यहाँ पे देखिए गाइस, इसे मैं जूम कर देता हूँ और जूम करके मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस कौन सी पिन टूटी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये जो यहाँ पे गाइस, ये जो ऊपर का टॉप है इस पिन का टूटा हुआ है, तो इसको हम रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा यहाँ पे सरक के आ चुका है, ओके। तो ये जो पिन है गाइस, इसे हम रिपेयर करने वाले हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये पिन किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस। तो वैसे तो गाइस इसका जो प्रॉब्लम है गाइस, जो पिन टूटा हुआ है गाइस, उस तरीके से गाइस और एक मदरबोर्ड था गाइस, वो अभी चल रहा है गाइस, पर उसको फिर से मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ गाइस उसका जो खोल के, ठीक है। सिर्फ तो उसी तरीके से इसको मैं रिपेयर करके बताऊंगा। पर गाइस ये जो मदरबोर्ड है ये खराब है गाइस, ठीक है। तो इसका जो मेन चिप खराब हो चुकी है, तो इसमें सिर्फ मैं लगा के बताने वाला हूँ कि किस तरीके से पिन रिपेयर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इसको मैं किस तरीके से करता हूँ देखिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गाइस, एक मिनट जूम आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले हम जंपर बनाएंगे। जंपर के लिए गाइस यहाँ पे मेरे पास एक वायर है गाइस, तो ये वायर को गाइस यहाँ पे छिल के गाइस यहाँ पे दो वायर निकालूंगा मैं उसी के साइज के। तो यहाँ पे एक वायर निकलेगा और दो वायर, और दो वायर निकालने के बाद कुछ इस तरीके से इसको घुमा लेंगे हम एकदम हार्ड, ठीक है। अब इसको हार्ड करेंगे हम टाइट करके, पेस्ट में रख के यहाँ पे गाइस हम इसको सोल्डर मार देंगे। सोल्डर से उस पर मजबूती आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हो चुका है यहाँ पे। अभी क्या करना है गाइस, यहाँ पे इसी से ही यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट ले लेना है, ये जो बोर्ड में जो पिन है गाइस उस पे हमें सोल्डर मारना है। तो इसे जूम कर देता हूँ। यहाँ पे पिन है गाइस, तो देखिए गाइस यहाँ पे जो है हमारी जो पिन लग चुकी है इस तरीके से, ठीक है। इसकी ये पिन है गाइस, ओके, इस तरीके से पता चलेगा, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे सोल्डर लग चुका है। अभी गाइस इसे हम शेप में कट कर देना है। तो जिस तरीके से यहाँ पे जो पिन है गाइस, एक मिनट, तो जिस तरीके से गाइस यहाँ पे जो पिन है, ये जो पिन के जो बीच में लाइन में आना चाहिए ये पिन, ठीक है। तो इसे नेल कटर रख के कट कर देंगे। तो नेल कटर इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो देखिए यहाँ पे वायर लग चुका है इस तरीके से, और ये जो लाइन है
इस तरीके से यहाँ पे देखने के टाइम पे गाइस एक सीधे लाइन में हमारा जंपर आना चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से सीधे लाइन में आना चाहिए और इस तरीके से लाइन में आना चाहिए और वर्टिकल में लाइन में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा जो लाइन में आ चुका है इस तरीके से गाइस, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से गाइस आप पिन रिपेयर कर सकते हैं गाइस, सोल्डर मारने के बाद गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेसर लगा के इसे पैक करके देखना है। पैक करने के बाद फिर से निकालना है और फिर से हटा के देखना है कि वो सही हुआ है या नहीं। तो देखो यहाँ पे सही हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेवल में आ चुका है वायर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कर सकते हैं सोल्डर मार के गाइस, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।